पॉजिटिव इम्पैक्ट यही है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स द रीज़न वाई मेजोरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर पश्मीना स्टेक होल्डर्स, उनका जो ये शक शुबात थे कि कैसे टेस्टिंग होती है, वेदर टेस्टिंग इज गोइंग ऑन इन राइट डायरेक्शन और नॉट, वो टेस्टिंग पैरामीटर्स उनको सिखाया गया है, कौन कौन से मेयार रखे जाते हैं टेस्टिंग क्वालिटी एश्योरेंस करने के लिए, चाहे वो फाइबर के लेवल पे हो, चाहे वो यार्न के लेवल पे, या चाहे वो फैब्रिक फिनिश प्रोडक्ट की लेवल पे हो। तो मुझे एक्चुअली सिलेक्ट किया जिस ये प्रोग्राम के लिए, तो मुझे मेल आया था, उसके बाद मैंने वो एक्सेप्ट किया, प्रोसीजर फॉलो किया। जब मैंने क्लासेस ज्वाइन किए वेरी हेल्पफुल था हमें, इवन सीडीआई इंस्टीट्यूट भी लिया गया जहाँ पे हमें प्रैक्टिकली दिखाया गया कि टेस्टिंग किन मशीन से होती है, और इवन टेस्टिंग वहाँ पे की भी गई, और ज्यूरिंग दैट फर्दर डेज में क्लासेस भी हुए जो वेरी हेल्पफुल थे। तो प्रोग्रामिंग ये बिल्कुल बेनिफिशियल था हमारे लिए। जब ये वर्कशॉप का जो मेल आया कॉलेज को, तो हमारे सीसी डॉक्टर यासिर सर उनके थ्रू हमें मिला कि हाँ कि यहाँ पे ऐसा शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में ऐसा वर्कशॉप हो रहा है, तो हम वहाँ पे जाएँ और पश्मीना और उसके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, क्या क्या उसमें क्या इश्यूज़ आते हैं, पश्मीना है क्या, कैसे उसका प्रोसेस हो रहा है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे सीखने को। तो जो ये 7 डे का जो वर्कशॉप चला, तो हमने ये सारी चीज़ देखी और इसमें काफ़ी एक्सपर्ट लेक्चर्स भी हुए, कोलकाता एंड ऑल हिमाचल से लोग, मतलब काफ़ी गेस्ट फैकल्टीज़ आए यहाँ पे, उन्होंने सारी चीज़ें बताई, तो इट वॉज़ क्वाइट हेल्पफुल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन।